हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम कन्वर्जन सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है। सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। वन अपॉन एन एक nth टर्म है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम एन की वैल्यू वन डाल दीजिए तो क्या मिलेगा आपको? आपको ए फर्स्ट टर्म मिल जाएगी वन, ऐसे आपको सेकेंड टर्म की मिल जाएगी वन अपॉन टू, ऐसे आपको थर्ड टर्म की मिल जाएगी वन अपॉन थ्री। अगर हम इसका समेशन ले लें, यानी कि समेशन ऑफ एन टर्म हम कर देते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ ए एन इक्वल्स टू वन प्लस वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट थ्री प्लस वन अपॉइंट फोर एंड सो ऑन, ऐसे ही वन अपॉइंट एन तक मिल जाएगा। अब जब हम इसमें एन की वैल्यू इन्फिनिटी डाल देंगे, हमने क्या डाल दिया? वन अपॉइंट इन्फिनिटी डाल दिया, तो हमें क्या मिलेगा? ज़ीरो। तो जब हमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मिलती है ज़ीरो ए एन टर्म में डालने के बाद, तो वो सीक्वेंस हो जाता है कन्वर्जेंट। क्लियर है? ये होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मतलब एक तरह से हमें लिमिट की वैल्यू समथिंग मिल जाती है, वो क्या